हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है। इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री मैट्रिक और इंटर जो प्रोत्साहन राशि के लिए आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन तो हो जा रहा है लेकिन उसमें आप लोग को यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिल रहा है। तो हमने जब विभाग से बात किया तो उन्होंने हमें क्या बताया कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद से यूजर आईडी पासवर्ड कितने दिनों में आ जाता है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। जैसे क्या हो रहा है कि आप लोग भले आप इंटर के लिए आवेदन करें या मैट्रिक के लिए आवेदन करें, दोनों में जो है सेम प्रोसेस है। इस बार आप लोग यहां से जाके, मतलब दोनों का पोर्टल तो अलग है लेकिन प्रोसेस दोनों का सेम है। यहां आप जाके जो है रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके और यहां पे न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आप कर दे रहे हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन तो हो जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन आपका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आ रहा है जिससे आप आगे का जो है फर्दर स्टेप को कंप्लीट कर सके, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सके। तो इसको लेकर जो है हमने जब विभाग से बात किया कि सर रजिस्ट्रेशन होने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड जो है कितने दिनों में आता है और इसका आगे का प्रोसेस क्या है, तो इससे मिली जो जानकारी है वो हम आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जब आप लॉगिन पे भी क्लिक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे फॉरगेट करने का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे ना, फॉरगेट का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है जब आप लॉगिन पे जा रहे हैं। तो जब तक यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिलता है आपको, तब तक आप जो है आगे का प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। तो इसी के बारे में जानेंगे कि आपको यूजर आईडी पासवर्ड जो है कितने दिनों में मिलता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद। विभागीय जानकारी के अनुसार मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने जो है क्या किया, मेल किया। इनका जो फोन नंबर दिया गया है, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है बहुत सारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3-4 हेल्पलाइन नंबर है इनका, किसी का भी कॉल लग नहीं रहा है। तो हमने जो है यहाँ पे इस मेल आईडी पे mkuyhelp@gmail.com, आप देख सकते हैं मेल आईडी, और मैंने जो है इस मेल आईडी पे, यहाँ पे देखिए आप, इस मेल आईडी पे जो है मैंने मेल करा। और मैंने मेल जब करा था कितने तारीख को किया था, 21 जनवरी को मैंने मेल करा था और मैंने लिखा था आईडी एंड पासवर्ड कब तक मिलता है। और मैंने यहाँ पे लिखा था, डियर सर, मैंने 7 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया है इंटर पास 2021 वाला स्कॉलरशिप के लिए, बट अभी तक यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं आया है। यूजर आईडी एंड पासवर्ड आने में कितना दिन लगता है? तो हमने जो है अपना क्वायरी इनको 10 दिन पहले 21 तारीख को जो है मैंने मेल करा। अब इनका जो रिप्लाई आया वो हमें 24 तारीख को रिप्लाई आया, हालांकि मैंने वीडियो नहीं बनाया था लेकिन अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो 24 जनवरी को मुझे मेल आता है और इन्हीं के द्वारा आता है, आप देख सकते हैं, मैं मेल आईडी दिखाता हूँ, mkuyhelp@gmail.com, इसी मेल आईडी से हमको मेल आता है। और इस मेल आईडी में क्या लिखा है देखिए, साफ साफ आप समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि सरकार कहती कुछ और है, होता कुछ और है। और मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा, एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपका यूजर आईडी पासवर्ड कितने दिनों में आ जाएगा। अभी आप वेट करिएगा। और वीडियो को फ्रेंड्स, आपने लाइक नहीं करा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे जो है लिखा गया है, पोर्टल पर पंजीकरण के बाद विभागीय तथा बैंक से खाता के सत्यापन का इंतजार करें। सत्यापन के पश्चात सही पाए जाने पर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। आपको इस आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर अपने आवेदन को अंतिम रूप देना है तथा समय समय पर पोर्टल पर जाकर आवेदन की स्थिति को देखना है तथा त्रुटि रहने पर ईमेल के माध्यम से सूचित करना है। अपने आवेदन को अंतिम रूप देने के 10 दिन के अंदर दिए गए बैंक खाता पोर्टल पर जरूर जांच कर ले। कृपया यूजर आईडी और पासवर्ड, बैंक खाता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी किसी अन्य से शेयर न करें। और यहाँ पे लिखा गया कि बैंक अकाउंट जो है विद्यार्थी के नाम होना अनिवार्य है और अन्यथा पैसा नहीं भेजा जाएगा, और संयुक्त खाता मान्य नहीं है, मतलब ज्वाइंट अकाउंट भी यहाँ पे मान्य नहीं है। इसके अलावा इन्होंने एक जो है जेपीजी पीडीएफ हमको जो है इन्होंने अटैच करा है, मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ क्या है इसमें। देखिए इन्होंने जो है ऊपर की जो जानकारी मैंने आपको पढ़ के बताया वो सेम जानकारी इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है, रीड इट प्रॉपरली, इन्होंने लिखा है कि आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। और बोला गया है कि 10 से 12 दिन में अकाउंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो है यूजर आईडी पासवर्ड आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जिसका आवेदन करा था मैं उसका स्टेटस एक बार चेक करके आपको दिखाता हूं कि उसका स्टेटस क्या है, फिर मैं आपको जो है ओरिजिनल बातें को बताता हूं। अब देखिए हम यहां पे आते हैं, स्टेटस चेक करते हैं, हम जाते हैं यहां पे रिपोर्ट पे और व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं और यहां पे जो है हमने जिसका रजिस्ट्रेशन करा था उसका देखते हैं आया कि नहीं आया है। हम इस पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो इसका इंटर वाला है ना, इंटर का रजिस्ट्रेशन नंबर, वो हम यहाँ लिखते हैं, सर्च करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने जो है आज 20 दिन हो गया ऑनलाइन किए हुए और अभी तक जो है इनका आईडी पासवर्ड नहीं आया है। और अभी इनका जो वेरिफिकेशन हुआ है वो अभी केवल जो है अकाउंट ही वेरिफिकेशन हुआ है, मतलब ये कि अकाउंट का जो रजिस्ट्रेशन है वो पीएफएमएस पे इनका हो चुका है और अभी ये सब जो है नेम वेरिफिकेशन बाकी है, आधार वेरिफिकेशन बाकी है, अकाउंट नेम वेरिफिकेशन
डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन, मार्क्स वेरिफिकेशन, ये सब अभी बाकी है। तो फ्रेंड्स हमें नहीं लगता कि 10 से 12 दिन में यूजर आईडी पासवर्ड जो है आया होगा किसी का। अगर आ भी गया होगा तो वो लोग जो है आवेदन कर लीजिएगा, नहीं आया होगा तो अभी आपको फ्रेंड्स वेट करना है। हमें नहीं लगता कि जो है 20 दिन या 10 दिन में भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लेंदी प्रोसेस इस बार बना दिया गया है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ऑनलाइन करने के लिए। काफी लोग तो यूजर आईडी पासवर्ड में ही अटक जाएंगे। आएगा कब आएगा कोई नहीं जानता है, आएगा तो पता नहीं कहीं मैसेज ही डिलीट हो जाए या कुछ डिलीट हो जाए, तो फॉरगेट करने का तो ऑप्शन है नहीं कि हम फॉरगेट कर सकते हैं यूजर आईडी पासवर्ड। तो ये सारी समस्या इस बार बहुत ज्यादा होने वाली है। देखिए मान के चलिए आप जो है 30 दिन से अबव लग सकते हैं, 45 दिन से अबव भी लग सकते हैं, 2 महीना से भी अबव लग सकते हैं आपको यूजर आईडी पासवर्ड आने में। और आपको जो मोबाइल नंबर दिए हुए हैं इसमें, उस मोबाइल नंबर को फ्रेंड्स आपको जो निरंतर देखते रहना है एसएमएस को कि यूजर आईडी पासवर्ड कब आ रहा है। नहीं तो अगर यूजर आईडी पासवर्ड आ गया बाय द वे आपने डिलीट मार दिया तो फिर आपको जो है ऑनलाइन करने में काफी ज्यादा समस्या होगी। अब देखिए यहाँ पे हम जो है एक जो है कंप्लेन दर्ज करेंगे। कैसे कंप्लेन दर्ज करेंगे आपको मैं बता देता हूँ। कंप्लेन दर्ज करने के लिए अगर मान लीजिए आपका 20 दिन से ज्यादा हो गया, आपका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आया, तो आप कंप्लेन दर्ज करेंगे। कैसे करेंगे तो ग्रीवेंसेस का एक ऑप्शन आएगा और यहाँ पे सबमिट योर ग्रीवेंसेस का ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप जो है अपना प्रॉब्लम को लिखेंगे। सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, स्टूडेंट का नाम, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, मोबाइल नंबर लिखेंगे अपना, ईमेल आईडी लिखेंगे, और आप अपना क्वारी डालेंगे। यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी, रिक्वेस्ट फॉर अपडेट मोबाइल नंबर, कोई दिक्कत हो जाता है इसमें तो इससे भी आप जो है जाके चेक कर सकते हैं अगर श्रेणी आपने गलत चूज कर लिया है, या रीवेरीफाई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, या ईमेल आईडी अपडेट करना है, पेज नहीं वर्क कर रहा है, तो ये सारे ग्रीवेंसेस यहाँ पे दिया हुआ है। आप अन्य चूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पूरी इंफॉर्मेशन सही से, डियर सर, ऐसे लिखेंगे आप प्रॉपर बना के कि आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड बिफोर, मैं बना के लिख देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप क्या करेंगे, लिखेंगे डियर सर आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर बिफोर 20 डेज अगो, आपने जो है 20 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया है लेकिन स्टिल नॉट रिसीव्ड यूजर आईडी एंड पासवर्ड, इसके बावजूद भी आपने यूजर आईडी पासवर्ड जो है अभी तक नहीं मिला है, काइंडली सेंड यूजर आईडी एंड पासवर्ड। इतना आप जो है मैटर क्या करेंगे लिखेंगे और अपना जो है यूजर आईडी तो मिला नहीं, एप्लीकेशन आईडी लिख देंगे, एप्लीकेशन आईडी रजिस्ट्रेशन करते वक्त मिला होगा, कैप्चा जो है यहाँ भर के सबमिट करेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो अपना जो है रजिस्टर नंबर भी, जो रजिस्ट्रेशन आईडी है आपके इंटर वाला या मैट्रिक वाला, उसे आप यहाँ पे क्या करेंगे मेंशन कर देंगे, अपना नाम भी मेंशन कर देंगे और सेंड कर देंगे, सबमिट कर देंगे। आपको एक जो है यहाँ पे ग्रीवियंस नंबर मिल जाएगा, ग्रीवेंसेस नंबर मिल जाएगा, फिर आप जाके यहाँ से जो है स्टेटस पे जाके यहाँ से जो है अपना ग्रीवेंसेस का भी स्टेटस चेक कर सकते हैं और वो लोग जी आपको रिप्लाई दे सकते हैं। मोबाइल नंबर डाल के आप जो है रेफरेंस नंबर भी डाल के यहाँ पे जो है अपना जो है ग्रीवेंस क्वायरी जो आपने डाला है वो बाद में आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो देख सकते हैं सरकार ने जो है ये रिप्लाई करा है कि 10 से 12 दिन में अकाउंट वेरीफाई हो जाता है और होने के बाद जो है आपका यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है, लेकिन हमें नहीं लगता है फ्रेंड्स कि 10 से 12 दिन में होता है। मैंने आपको जो है एग्जांपल भी दिखाया। अगर फ्रेंड्स किसी का यूजर आईडी पासवर्ड आया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, प्लीज़ आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें अपने यूजर आईडी पासवर्ड के साथ, मैं आपका जो है डिटेल्स को लीक नहीं करूँगा, आप मुझ पर भरोसा करें और मैं आपके जो है बेस पे आपका जो है ऑनलाइन करूंगा और ऑनलाइन करके जो है लोगों को दिखाऊंगा कि आगे का प्रोसेस क्या। अगर आप इंटरेस्टेड है तभी आप दीजिएगा, मैं आपसे ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करने वाला हूं। और आप जो वेट करें 45 दिन 2 महीना भी लग जाएगा यूजर आईडी पासवर्ड आने में, तो जब तक यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आता है तब तक आप जो है लॉग इन करके आगे का अगला प्रोसेस आप नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी अच्छी लगेगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीएस हेल्पिंग फॉर एवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।